हैं बट एज सच इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वीडियो के टाइटल से एंड थंबनेल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फाइनली शेयर करने वाली हूँ गार्नियर का विटामिन सी फेस सीरम का रिव्यू। सो गाइस, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉन स्पॉन्सर वीडियो। जैसा कि आप अदर वीडियोज देखोगे, सारे ऑलमोस्ट आपको गार्नियर के जितने भी रिव्यू है आपको स्पॉन्सर मिलेंगे, क्योंकि इनकी एक कैंपेन थी जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अब मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एंड फाइनली गाइस, उसके बाद मुझे अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट मेरा ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था मार्केट में काफी ज्यादा बूम मचाई थी इसने, बट मुझे ऐसा था कि इस बॉटल को मैं पूरा फिनिश करने के बाद ही आप लोगों के साथ इसका रिव्यू लेके आऊंगी। दो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि 1 से 1.5 महीना हो गया एंड मैं इसको सिर्फ नाइट टाइम में यूज कर रही थी, एक ही बार दिन में अप्लाई कर रही थी। अगर मैं चाहती थी तो इसको 2 टाइम भी यूज कर सकती थी, बट मुझे ऐसा था कि रिजल्ट मुझे आराम से इसका देखना है कि ये कितने टाइम में कितना इफेक्टिवली आपके फेस पे वर्क करता है। सो गाइस, चलिए फटाफट से आपको मैं इसकी ओवरऑल पैकेजिंग बता देती हूँ। आपको ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होता है। दिस इज गार्नियर स्किन नेचुरल लाइट कंप्लीट स्पीड विटामिन सी 30x बूस्टर सीरम। 30x स्टैंड्स फॉर, या आपको 30 times मोर जो विटामिन सी अदर सीरम्स आते हैं उससे ज्यादा 30 times ज्यादा आपको अच्छे से रिजल्ट देगा। गाइस, ये जो क्लेम करते हैं ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देगा, आपकी स्किन को एक फेयर लुक प्रोवाइड होगा एंड आपको रिजल्ट इसका 3 दिन में देखने को मिलेगा, ऐसा इस प्रोडक्ट का क्लेम है। यूज कैसे करना है, नॉर्मल जो अदर सीरम हम यूज करते हैं नॉर्मल सी 1 से 2 ड्रॉप हमको अपने पाम पे लेनी है और अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर देना है, बहुत ज्यादा मसाज नहीं करनी है। नॉर्मल आप इसको मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हो एंड नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हो, बट आपको इसके बाद अच्छे से अपने फेस पे एक सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना है। प्राइस है गाइस इसकी बहुत मिनिमल प्राइस है, क्योंकि अदर जो विटामिन सी फेस सीरम आप देखोगे मार्केट में तो काफी हायर रेंज में मिलेंगे। इसकी रेंज आई थिंक 449 रुपीज है एमआरपी एंड क्वांटिटी इज 30 ml, बट आपको ये अच्छे से डिस्काउंट पे अमेजोन पे एंड फ्लिपकार्ट नाइका पे सब पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस, अंदर आपको इस तरह से ग्लास बॉटल मिलती है छोटू सी, जो कि ये इस तरह से पंप होल्डर के साथ आती है, जो आप प्रोडक्ट लेने में काफी इजी एंड कन्वीनियंट रहता है। तो गाइस, ऑलमोस्ट मेरा ये प्रोडक्ट फिनिश हो चुका है, इसकी जो 1-2 ड्रॉप है वो मैं आपको लेके बता देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी दिस बहुत लाइट कंसिस्टेंसी है, वॉटरी कंसिस्टेंसी है एंड इसकी जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि बहुत जल्दी से स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो एंड गाइस, बट आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो प्लीज आप विंटर में इसको यूज ना करो, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई भी बना देगा। बट अभी बात करते हैं कि क्या रियली ये रिजल्ट देता है। सो गाइस, लास्ट 1.5 मंथ से मैं इसको यूज कर रही हूँ, नाइट टाइम में मैं इसको एक बार लगा रही हूँ, बट गाइस ट्रस्ट मी, मुझे एज सच इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना ये क्लेम कर रहा है। लाइक ये बोल रहा है कि आपको 3 दिन में आपकी स्किन ब्राइट नजर आएगी, फेयर नजर आएगी, बट आई डोंट थिंक सो कि 15 डेज से पहले कोई रिजल्ट आपको शो करेगा। यस, आफ्टर 15 डेज आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगेगा कि यस फेयर लुक आ रहा है या ग्लोई लुक आ रहा है, बट यस, अगर आपको बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्कार्स है, दाग धब्बे हैं चेहरे पे पिंपल्स के, तो गाइस आई डोंट थिंक सो कि ये आप लोगों पे एज सच कोई वर्क करेगा। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो गाइस जब मैंने इसको परचेज किया तब मैंने एज सच इसके इंग्रेडिएंट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि गार्नियर ब्रांड हम आंखें बंद करके इस पे विश्वास कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, इसके जो इंग्रेडिएंट है दैट इज एक्वा वाटर ग्रीसलीन एंड एल्कोहल, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट जो 4th नंबर का इंग्रेडिएंट है दैट इज एल्कोहल। तो अगर garnier.in वाली साइट पे आप जाओगे, इंडिया की जो साइट है उस पे अगर आप जाओगे तो आपको इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट नजर नहीं आएगी कि क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हुए हैं, बट यस garnier.com साइट पे जाके इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो 4th नंबर का जो इसका इंग्रेडिएंट है दैट इज एल्कोहल, जो वो आपको शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, यू कैन सी बहुत छोटे छोटे से लेटर्स लिखे हुए हैं, जो कि इनको देखना एंड पढ़ना मेरे बस की बात तो नहीं है, बट यस मैं पिक्चर शो कर दूंगी, अगर आप देख सकते हो पढ़ सकते हो तो आप यहां से देख लीजिए। बहुत सारे केमिकल्स हैं एंड कुछ केमिकल्स तो ऐसे हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता। सो ये फुल्ली केमिकल वाला प्रोडक्ट है गाइस। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके टॉप 5 जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इसका जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है दैट इज एल्कोहल. इट मींस कि इसका जो बेस है वो एल्कोहल है, इसीलिए वो स्किन के अंदर बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है. एल्कोहल जैसे ही एयर में आता है वो बहुत जल्दी से वो हवा में उड़ जाता है. तो यू कैन इमेजिन कि एल्कोहल हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है. अगर हम एल्कोहल बेस वाला सीरम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो हम सोच सकते हैं कि हमारी स्किन कितनी ज्यादा डैमेज हो सकती है, जो कि स्टार्टिंग में हमको उसका रिजल्ट ऐसा नहीं लगेगा कि स्किन हमारी एल्कोहल से डैमेज हुई है. बट आफ्टर दैट जैसे ही आप इसको यूज करना बंद करोगे या एक एज के बाद आपको स्किन थोड़ी सी डल होने लगेगी, रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लग सकती है. तो अगर आप कोई भी ऐसा सीरम लेते हो मार्केट से जो कि एल्कोहल बेस है, वो क्या हमें यूज करना चाहिए? तो ये चीज मुझे इसके बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. और ओवर जो एल्कोहल होता है वो ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है स्किन को, एंड सेंसिटिव स्किन वाले के लिए तो बहुत सारे पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स वाली प्रॉब्लम काफी स्टार्ट हो जाती है. एज मैं आपको अपने पिक्चर में शो करती हूँ, जैसे मैंने इसको अप्लाई किया था 4 to 5 days मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट आफ्टर 5 days मुझे काफी हद तक यहाँ पे चिन एरिया में मेरे पिंपल्स होना स्टार्ट हो गए थे. ये वाला जो पार्ट है मेरा, यहाँ पे भी मुझे काफी पिंपल्स हुए थे, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. बट गाइस, मैंने इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट देखना था कि पिंपल्स होने के बाद जो स्कार्स रह जाते हैं उन पे क्या लिटरली ये वर्क करता है या नहीं करता. बट मुझे तो इसको यूज करते हुए 1.5 महीना हो गया, मुझे एज सच कोई भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आया था जितना डेडिकेटली मैं इसको यूज कर रही थी. एवरी नाइट मैंने इसको यूज किया है, एक दिन भी मैंने इसको स्किप नहीं किया. बट यस, अगर आपको बहुत कम पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्कार्स ज्यादा नहीं है आपके, तो आप इसको यूज कर सकते हो. बट अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फेस पे स्कार्स है, दाग धब्बे हैं, देन कुछ भी वर्थ नहीं है इस प्रोडक्ट को परचेज करना. दो ये बहुत सस्ता है, विटामिन सी फेस सीरम आपको इस रेंज में नहीं मिलेगा, बट एज सच इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है जैसा कि आप अदर वीडियोस में देखोगे जो कि इनके स्पॉन्सर वीडियो है. तो गाइस, एज यू कैन सी, मैं इसको पूरा ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी हूँ एंड देन ही मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ. तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, या पर्टिकुलर एक स्कार्स को लेके या चेहरा गोरा करने के लिए, दाग धब्बों के लिए अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हो, तो प्लीज डोंट गो फॉर दिस. एंड यस, अगर आप नॉर्मल सा विटामिन सी सीरम, जो नॉर्मल आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक विटामिन सी फेस सीरम लेना है नॉर्मली, देन आप इसको परचेज कर सकते हो. बट एज सच मुझे कोई भी वर्थ नहीं लगा इसको परचेज करना. सो यस गाइस, ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट गार्नियर विटामिन सी फेस सीरम, जो कि आप लोग काफी लोग वेट कर रहे थे इस रिव्यू का. एंड सॉरी फॉर दैट, मैंने काफी टाइम लगा दिया इसको यूज करके एंड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने में. बट गाइस, जो भी मेरा रिव्यू है ऑनेस्ट है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा अपना जो भी एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करती हूँ. सो यस गाइस, ये था मेरा बैड एक्सपीरियंस अबाउट विटामिन सी फेस सीरम. सो यस, वीडियो अच्छा लगे गाइस तो लाइक जरूर से कर देना. चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी. सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.